नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मॉनसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने सोमवार को उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही यहां तेज हवा भी चल सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में भी आज मानसून पहुंच सकता है। दिल्ली में सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक महीने पहले मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी अभी तक सही साबित नहीं हुई है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है और ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच गया है, लेकिन उत्तर भारत में अभी तक उसने दस्तक नहीं दी है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मानसून नहीं आया है। मौसम विभाग ने एक महीने पहले पूर्वानुमान जताया था कि मानसून जून तक इन हिस्सों में पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी भविष्यवाणी अभी तक सही साबित नहीं हुई है। IMD के उत्तर भारत के लिए मानसून के पूर्वानुमान के सही ना होने के पीछे मॉडल्स द्वारा भेजे गए गलत सिग्नल, पूर्वी और पश्चिमी हवाओं के बीच संपर्क के नतीजों का अनुमान लगाने में मुश्किल आदि कुछ प्रमुख कारण हैं। वहीं रविवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के जयपुर में देर रात हल्की बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत कुछ हिस्सों में रविवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।